बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम जो है ये बहुत बड़े साइज में बहुत बड़े और काम के लिहाज से बड़े पावरफुल सिस्टम्स है। ठीक है, दीज आर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम्स। और ये जो यूज होते हैं तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो नादरा की बात करते हैं PII में, और वैसे जनरली ये इंश्योरेंस कंपनी में जहाँ पे एम्प्लाइज का डेटा और एम्प्लाइज का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह बैंक्स में भी इनका यूज़ होता है। इसको क्यों बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा होता है और उस डेटा पे काम करने वाले भी ज़्यादा होते हैं। मसलन बैंक है, बैंक के पास बहुत बड़ा डेटा होता है, अकाउंट्स होते हैं, और इन अकाउंट्स को एक टाइम पे बहुत सारे यूजर एक्सेस करते हैं। मसलन जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर, वो अपना भी एक सेट टाइम वो यूज़ कर सकता है, उसके साथ साथ बैंक की मैनेजर है या कैशियर है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, उस बैंक का हेड ऑफिस में भी इसका यूज़ हो सकता है। मतलब यह है कि एक टाइम पे किसी भी डेटा को बहुत सारे यूज़र एक ही टाइम पे यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मेन फ्रेम को यूज़ किया जाता है। और जो सबसे पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ये एक टाइम पे हज़ारों की तादाद में यूज़र को सपोर्ट करते हैं, यानी हज़ारों यूज़र्स की हैंडल जो नीड्स है, प्रोसेसिंग नीड्स है, तो ये हैंडल कर सकता है। तो एक टाइम पे हज़ारों की तादाद में यूज़र को अपने काम के लिए सपोर्ट करते हैं। नॉट सो फ्लेक्सिबल, ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए हर एक काम इस पे नहीं हो सकता। जिस तरह हम डेस्कटॉप में बहुत सारे जनरल पर्पस या जनरल टास्क के लिए यूज करते हैं, तो ये वाला जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम, ये बहुत ज्यादा जनरल टास्क के लिए, जनरल किस्म की वर्किंग के लिए यूज नहीं होता। खास खास काम और खास खास टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए अगर हम यहाँ देखें इस इमेज में, तो आप देख ले कि इस कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी है। ठीक है, पूरे रूम में, एक हाल में ये पूरा ऑक्यूपाई हुआ है, पूरे हाल में ये रखा हुआ है, और साइज भी इसका ज्यादा है, और जितना इसका साइज ज्यादा है तो इस तरह इसकी पावर भी ज्यादा है। इस कंप्यूटर से काम लेने के लिए यूजर जो है एक खास डिवाइस को यूज करते हैं जिसको कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल जो है ये जनरली इनपुट और आउटपुट का काम करता है, ये सिर्फ इनपुट और आउटपुट का काम करता है, और इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें कोई स्टोरिंग नहीं होती, ये सिर्फ इनपुट और आउटपुट का काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें इस इमेज को, तो इसमें हमारे पास ये स्क्रीन है आउटपुट के लिए, और ये हमारे पास इनपुट के लिए क्या है, कीबोर्ड है, और इसके साथ साथ माउस का भी इसमें यूज किया जाता है। और ये ओवरऑल जो टर्मिनल है ये मेन फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मेन फ्रेम को जो भी डेटा देना है या मेन फ्रेम से जो भी डेटा लेना है वो इस डिवाइस के थ्रू ये काम किया जा सकता है। टर्मिनल यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ओनली, और टर्मिनल जो है उसको ये डज नॉट प्रोसेस डेटा, टर्मिनल में कोई डेटा की प्रोसेसिंग नहीं होती, टर्मिनल में डेटा की कोई स्टोरिंग नहीं होती। तो टर्मिनल को हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, और स्टोरिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। अब अगर हम एक दो पॉइंट्स और भी टर्मिनल के बारे में देख ले कि टर्मिनल जो है इसके टू टाइप्स है। एक टर्मिनल, ये तो हमने पढ़ा कि टर्मिनल एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है, लेकिन टर्मिनल के जनरली टू टाइप्स है। एक को कहते हैं डम टर्मिनल। तो डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल जो है वो उसको सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए, टू टाइप्स है, पहले का नाम है डम टर्मिनल। डम टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट पुटिंग के लिए यूज किया जाता है। टर्मिनल में या डम टर्मिनल में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें कोई स्टोरिंग नहीं होती, यानी सिर्फ इसका काम ये है इनपुट और आउटपुट। ठीक है,
और इसके अलावा जो दूसरी किस्म का एक टर्मिनल, तो ये है डम टर्मिनल। जो दूसरी किस्म का टर्मिनल है उसका नाम है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या काम करता है, डू सम प्रोसेसिंग, छोटी सी थोड़ी मिकदार में थोड़ी सी थोड़ी प्रोसेसिंग भी कर देता है, लेकिन स्टोरेज का काम और प्रोसेसिंग का काम ये भी नहीं करता। ठीक है, तो इंटेलिजेंट में सिर्फ ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीचर यह है कि ये थोड़ी सी इनपुट और आउटपुट के अलावा थोड़ी सी प्रोसेसिंग भी कर देता है। और मेन जो ज्यादातर प्रोसेसिंग है वो मेन फ्रेम में डायरेक्टली होती है, जो प्रोसेसिंग का काम है मेन फ्रेम में होता है, जो स्टोरिंग का काम है वो मेन फ्रेम में डायरेक्टली होता है। इसके अलावा मेन फ्रेम जहाँ पे यूज करता है मेन फ्रेम एनवायरमेंट में, तो बाज दफा यूजर जो है वो स्टैंडर्ड पीसी को, स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर को भी एज ए टर्मिनल यूज कर सकता है। इसको यूज करके स्टैंडर्ड पीसी को यूज करके वो मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकता है, वो मेन फ्रेम को डेटा इनपुट कर सकता है, वो मेन फ्रेम से डेटा आउटपुट कर सकता है स्टैंडर्ड पीसी को मेन फ्रेम के साथ अटैच करके, और स्टैंडर्ड पीसी को एज ए टर्मिनल के यूज करते हुए, तो एज ए टर्मिनल यूज करते हैं और स्टैंडर्ड पीसी के थ्रू डेटा मेन फ्रेम को दे भी सकता है और डेटा मेन फ्रेम से ले भी सकता है। तो ये थी हमारा मेन फ्रेम। इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे मिनी फ्रेम।